हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंपस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 13 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैंपस में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक पॉजिटिव मूवमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.46% का पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग यहाँ पे 420.15 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कि मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम हमें फ्राइडे के दिन देखने मिल रहा है। कैंडल भी जरूर मीडियम टू लार्ज साइज के बिना ऊपर के समय छोटी सी वीक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 62-63 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड नेगेटिव मोमेंट का इशारा दे रहा है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मोमेंट का है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में अपसाइड मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इजिली सबसे पहले आते हुए देखने मिलेगी हमें 430 के आसपास। अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो इजिली हमें 436 इवन यहाँ पे 440 तक जो आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जो भी अपसाइड मूव जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सारा का सारा टेम्परेरी होगा, वहां से फिर हमें रिवर्सल भी देखने एक बार मिलेगा। बाकी क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा। वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी इंट्राडे में। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं बाइंग करने के लिए वो आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे स्टॉक जो आपको 410 के आसपास आते हुए देखने मिले तब यहाँ पे आप जरूर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉक जो है जब तक 410 के ऊपर जो अगर दो दिन तक और मंडे और ट्यूसडे तक जो यहाँ पे सस्टेन किया तो ही आप जो 410 के आसपास बाइंग करें। अगर दो दिन यानी कि ट्यूसडे तक जो है 410 के ऊपर सस्टेन नहीं किया तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं इसको बाइंग करना शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो करंट प्राइस जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहूंगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दे। स्टॉक आपको 329-330 के आसपास कभी भी आते हुए देखने मिले तो जरूर आप वहां पे बाइंग करें। वहां से आपको जो है इजिली यहाँ पे आपको जो है इजिली लॉन्ग टर्म के लिए जो पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हमारा जो है लेवल्स है तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो भी आपको कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए कैंपस में डालना है उसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20-25% जो आप यहाँ पे 330-329 के आसपास जो बाइंग करें। बाकी का जो है आप कैपिटल जो यहाँ पे रखें ताकि जब भी 10-20% का डाउनफॉल आपको एडिशनल देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। ताकि यहाँ पे जब भी आप एडिशनल बाइंग करोगे आपका एवरेज प्राइस जो कम हो जाएगा और एवरेज प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए जितना कम होगा उतना ही जो आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में। तो जरूर जब इसको ध्यान में रखें। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। चलिए सीधा जाते हैं वन आर के चार्ट में, बात करते हैं मंडे के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे वन आर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पे स्टॉक का हम जो है पहली बार एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर जो हमें मार्किंग्स जो है उस बेसिस पे हमें जरूर जो नहीं करनी है। तो जो भी यहाँ पे मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग्स भी जो कंप्लीट होने आई है। बाकी यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल अभी तक हमारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वीडियोस नहीं देखा उसको भी आप जरूर देख ले। छोटे छोटे यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर जो है प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस है जो आपको हेल्प करेंगे बुलिश और बेरिश का जो है यहाँ पे पैटर्न फॉर्म करने में और वहाँ पे उस साइड में जो है आपको इंडिकेशन देने में। तो जरूर जब उसको देख ले। बाकी मार्किंग्स हो चुके, थोड़ा सा मैं जूम कर लें ताकि हमें मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो खाली क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
420.15 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता 418.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 424.80 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हैं जहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रही जोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रही जोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता 410.10 का, उसके बाद क्या था 400.15 का। यहाँ पे डायरेक्ट रही जोन के बाद का अगला रही जोन आता 430.30 का, उसके बाद क्या था 435.70 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रही जोन आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर नेगेटिव क्लोजिंग का, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हमें जरूर एक्सपेक्टेड है देखने मिल सकती है मंडे के दिन, लेकिन स्टॉक हमें क्लोज जरूर नीचे के साइड में आते हुए देखने मिलेगा। चांसेस है 410.10 से लेकर 418.55 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो है मंडे के दिन देखने मिले। ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।